तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो नैंगनिंग यहां पे थी और जो बर्तन यहां पे थे भाई, वो बर्तन को लाके दे देते कि लो भाई चाट लो। वो लोग भी चाटने को तैयार हो जाते, कहते थैंक यू मिस नैंगनिंग। और जैसे यहां पे चाटते ना चाटने वाले, यहां पे फीलिंग होती है भाई नाइन हेवन मिट्टी की। आप लोग सोचोगे नाइन हेवन मिट्टी क्या? अगर आपको मालूम होगा, हम लोग को ऐसा माना जाता है जो भगवान है ना उसने हमको मिट्टी से ही बनाया है, वैसे इनको भी माना जाता है। नूना नाम की जो थी कमाल की लड़की थी, पहले खाली मेंशन किया गया था, वो जो गॉडी मानी जाती है जिस गॉड ने हम इंसानों के यहाँ पे बनाया, उसने नाइन हेवन मिट्टी यहाँ पे यूज की थी इंसानों के यहाँ पे बनाने के लिए। हाँ, तो वही जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी की फीलिंग आई थी। अगर आपको याद होगा, ये दोनों जिंदा नहीं है, ये दोनों मारे जा चुके, ये बस इनकी आत्मा यहाँ पर है। लेकिन जैसे ये खाते हैं ना वो मिट्टी की पौड़ मिली, मिट्टी से ना इनकी बॉडी तैयार हो जाती है, तो ये दोनों तो बड़े खुश हो जाते हैं, यस भाई हमारी बॉडी वापस से तैयार हो गई। तो अपनी दाई है ना वापस से आत्मा ना इनकी बोतल में डाल लेती है और कहती है सुनो यार तुम्हारी जो मेन आत्मा है ना इसी इसके अंदर रहेगी। ये लोग कहते हैं ये तो मिस दाई की आवाज है। दाई कहती मेरी आवाज है, तुम्हारी जो रियल बॉडी है ना बाहर यहाँ पर है और बॉडी में हमने हल्की सी आत्मा यहाँ पे डाल दी है, तो तुम्हारी जो बॉडी है ना पहुंच जाएगी भाई केवल तुम्हारे एरिया में जहाँ पे तुमको काम करना है। मेन आत्मा यहाँ पे रखो और बॉडी कंट्रोल करवा के जैसा बोला जाएगा वैसा करने का। ये दोनों कहते हो ठीक है समझ गए। हाँ, तो जो रियल बॉडी है जिसमें हल्की सी आत्मा है उनको काम करने के लिए भेज दिया जाता है। अपने नियम फिर पीछे से आता है, दाई से कहते दाई सुनो ना बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, मच्छी पकड़ने चलोगी? वो कहती ऑफकोर्स चलूंगी। हाँ, तो मच्छी पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। आते भाई सामने से इन दोनों की और जो कि सबसे पहले ये दोनों आ चुके थे, तो जहां पे अपना ड्रैगन था एल्डर उसको तो भी ड्रैगन यानी ड्रैगन बन के पानी में जाना पड़ेगा, और दूसरा था यूनिकॉर्न वो तो कहीं और जाएगा ना, तो अलविदा बोलने की बारी आ चुकी थी। तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, लेकिन अलग होने से पहले जो यूनिकॉर्न है ना ज्ञान पेल तक के जो मास्टर यहां पर है वो सारे हम जैसे भाई कोई भी हो ड्रैगन हो यूनिकॉर्न हो डेमोन यहां पर हो सबको अपने अंडर में यहां पर लेना चाहते हैं। तो भाई हम तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन आई डोंट नो जो बाकी सब तैयार होंगे या ना होंगे, ये मामला उतना भी आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। मैं तो दुआ करूंगा कि यहां पर अच्छे से हो जाए। इतना ये बोली जा रहा था दिया जाता ड्रैगन एल्डर पे जो कि खुद को काटे जा रहा है और अपनी बॉडी को चोट पहुंचाया जा रहा है, तो यूनिकॉर्न भी कंफ्यूज भाई का हो गया, तो करना क्या चाहता है? ये कहते नहीं मैं वापस यहां पे जा रहा हूं ना, अगर वापस यहां पे जाऊं और लोग देखेंगे भाई मैं सही सलामत कैसे हूं, मुझे चोट काहे को नहीं लगा है, कंफ्यूज हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, शक करेंगे, तो मैं जानबूझकर खुद को चोट पहुंचा रहा हूं। यूनिकॉर्न कहते झूठ मत बोल, तू खुद को खा के देख रहा है ना कि तेरा टेस्ट यहां पे कैसा लगेगा। ये भी कहते पागल वागल है क्या भाई, कौन खुद को काहे को खाएगा? नहीं नहीं यह बाहर में जान, इतना बोलकर ड्रैगन के रूप में आता है और अपने एरिया में निकल जाता है। तो यूनिकॉर्न भी अपने एरिया में के लिए निकल जाता है। ये पानी में आके सच में खुद को ट्राई मारा था खा कर देखने की, और जैसे थोड़ा सा पीस खाता ना ये भी कहता छी यार मेरा टेस्ट कितना बेकार है। लेकिन जहां तक मुझे याद है जो मेरा रियल बॉडी था सबसे पहले वाला बॉडी उसको उस मास्टर ने भाई आराम से पका के खा लिया था, उस समय शायद उनको टेस्ट ही लगा होगा, लेकिन जब मैं खुद खा रहा हूं तो इतना बेकार आई डोंट नो काय को लग रहा है। और ये चोट वोट लगा लेता खुद को काट खा खा कर और पहुंच जाते अंदर सर। जैसे अंदर पहुंचता सब लोग कहते कौन है? अरे यार ये तो हमारे एल्डर है। उतने वही प्रिंस भी आता है, वो कहता है कि भाई कौन है अभी ये ड्रैगन यहाँ पे कौन आया है? एक सेकंड, ये तो ग्रेट एल्डर यहाँ पर है। अरे यार इनकी हालत कितनी ज्यादा गंदी हो गई है, मैं पहचान भी नहीं पा रहा, मेरी गलती भाई, मैं इनको बचा नहीं पाया और मुझे छोड़ के भागना पड़ा, सॉरी एल्डर इट्स माय फॉल्ट। तो सामने से ये भी कहता ना प्रिंस, ना ना यार आपके यूज में आ गया, आप लोग के यूज में आ गया, वही मेरे लिए बड़ी बात है, मुझे ऐसा मस्ता मत बोलिए। तो जो बाप यहाँ पे था ना उस प्रिंस का वो भी आता है और कहता है ये हुई ना बात, ग्रेट एल्डर क्या बात आपने यहाँ पे बोली है? यस डोंट वरी सामने से अब ठीक हो ना? ये कहता वैसे तो ठीक यहाँ पे नहीं हूँ लेकिन हो जाऊंगा। बाप कहता बहुत बढ़िया, हमारा जो मकसद यहाँ पर है ना, हमारा मकसद यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चल रही है, वो जो मोती है मोती मिल चुका है, एनर्जी ऑब्जर्व करने का मेरा जो कल्टीवेशन है ना वो भी अच्छे से हो रहा है, बहुत जल्दी ऐसा टाइम आएगा ना जब सबसे स्ट्रॉन्ग मैं बन जाऊंगा, फिर कोई हमारे को रोक नहीं पाएगा और हमें ना आपका बदला यहाँ पे ले लेंगे। हाँ, तो ग्रेट एल्डर भी लाइक यही तो मैं रोकने के लिए यहाँ पर आया हूँ यार, यही तो रोकने के लिए आया हूँ। उसके बाद यहाँ पे शुरू होता दूसरे किसी एरिया में, एरिया कहाँ पर आइडिया नहीं है, उस एरिया के अंदर ना अपनी सेकंड प्रिंसेस आती है, भूल गए यार अपनी सातवीं ना एक नहीं है बल्कि टोटल सात यहाँ पे थी जिसमें से तीसरी और अपनी साथी सही सलामती और ये दूसरी भी सही सलामती जिसको हमने दो या तीन एपिसोड पहले देखा हुआ था। अगर आपको याद होगा इसने कहा भी था हमारा कोई एक महाराज एक महारानी भी है वो किसी एरिया में रहते हैं, वो दोनों भी जिंदा है, तो ये वही एरिया है जिस एरिया में महाराज ही मतलब महारान आई मीन महाराजा और महारानी यहाँ पे रहती है। महाराज आराम से बैठ के पानी में ऐसा टांग डाल के बैठा हुआ था, ये भी कहती है हेलो महाराज, वो भी कहता है हेलो हेलो। उसके बाद ये जो महारानी है ना महारानी से मिलने जाती है और दरवाजा यहाँ पे भाई बनता और हाथ में इसके सामान था, पिछवाड़े से दरवाजा ओपन करती है, यानी मन पड़ेगा पिछवाड़े के अंदर दम है, अंदर महारानी आराम से लेटी हुई थी ऐसे और ये कहती है हेलो महारानी आई एम बैक, वो भी सामने से कहती है यस यू आर बैक, लेकिन एक सेकंड यार तुम बड़ी खुश यहाँ पे लग रही हो, बोलो यार बाहर कुछ अच्छा हुआ क्या, फायदा वायदा हुआ क्या, कुछ बढ़िया मतलब कुछ मजा वजा आ गया क्या? ये कहती बहुत ही मजा आया, अपनी जो सातवीं है ना सातवीं से मिली। महारानी कहती है क्या बात करिए? वो कहती हाँ सातवीं ने ये बोला कि उसकी मुलाकात इन्हें बड़े कमाल के एक्सपर्ट के साथ यहाँ पर हुई थी, वो एक्सपर्ट बड़े कमाल के यहाँ पर है, हमारे हैवी पैलेस जो कि ऊपर ऊपर डिस्ट्रॉय हो गया था उसको भी
ठीक किया, जो अंडरवर्ल्ड यहाँ पे था ना अंडरग्राउंड वर्ल्ड उसको भी ठीक यहाँ पे किया, और भी बड़ा बड़ा काम किया, और हमको अच्छे से पै जैसा वो यहाँ पे पक्का बना देंगे। जैसे महारानी अलायंस सुनती है ना उसको विश्वास नहीं होता, वो ना भाई दवा निकाल लेती है या उसको देती है, ये कहते हुए कि भाई मैं भी थी ना ऐसी पगला गई थी और बहकी बहकी बातें करती थी, ये दवा खा लो ठीक हो जाओगी। तो वो चिल्लाती कह रही महारानी विश्वास करो यार, मैं बहकी बहकी बातें नहीं की जा रही हूँ, जो बोल रही हूँ ना वो सच बोल रही हूँ। आपको याद है क्या, दो बड़े बड़े गार्ड जो कि हमारे हवेली पैलेस में गार्ड का काम करते थे, कमीने थे साले, हमको भी रोकते थे, मालूम है दोनों मारे गए, किसने मालूम है मारा, अरे उसी कमाल के एक्सपर्ट ने मारा। महारानी को और विश्वास नहीं होता, और दवाइयाँ निकाल लेती, वो कहती है भाई कुछ ज्यादा ही पागल हो गई हो, लगता पूरी दवाइयाँ तुमको देनी पड़ेगी। दूसरी वाली कहती है अरे नहीं यार महारानी, यार मेरी बात का विश्वास यहाँ पे कहीं को नहीं करती। हाँ मैंने भी जब पहली बार सुना था मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, उसने मुझे कुछ खिलाया था तो मुझे विश्वास हो गया, आपको भी खिलाने के लिए ना मैं ढेर सारी चीजें यहाँ पे लेकर आ चुकी हूँ। पिछवा तो बस इसने हॉट पॉट यहाँ पे खाया था, ये अपने साथ फल, ये मतलब ढेर सारी जो खाने पीने की चीजें थी ना वो सारी चीजें लेकर आ जाती है। महारानी जैसा देखती ना मनी मन लालच तो उसको भी यहाँ पे आ रहा था, वो सोचती कि लेकिन नहीं जब से महारानी बनी है ना ये सारी जो चीजें ना अनहेल्दी चीजें जो कि मैंने खाना यहाँ पे छोड़ दिया, लेकिन आई डोंट नो आज इनको देख के मेरे मुंह के अंदर पानी यहाँ पे आ रहा है। ये जो फल यहाँ पे पड़े हुए ना वो मुझे कई हजार साल पुराने स्पिरिचुअल फ्रूट यहाँ पे लग रहे हैं। रियलिटी नहीं, मैंने ठान लिया कि भाई मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो नहीं खाऊंगी, अगर मैंने खा लिया तो भाई मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए भाई नहीं खाती। और कहती भाई मालूम है ना मैं ऐसा चीजें नहीं खाती, तुमको डर नहीं लगता तो भी तुम मेरे सामने ऐसा सामान यहाँ पे लेकर आ गई, मैं गुस्सा हो गई तो? वो कहती आई नो आप गुस्सा नहीं होगी, लो हल्का सा खा के चेक करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करें। महारानी कहती है नहीं, वो कहती है प्लीज, महारानी फिर से कहती नहीं, ये कहती प्लीज यार, ये फोर्स की जा रही है, मना की जा रही है। तो जो अपना महाराज है ना, महाराज बीच में एंट्री मारता है और वो खाने का कटोरा ले लेता है और कहता है तुम दोनों में से कोई मत खाओ, सबसे पहले मुझे खाकर ट्राई मारने दो। जो सुनने महारानी कहती क्या महाराज अपने लिए ये करोगे, ये भी कहते सुनो यार मैं कई सालों से यहाँ पे जी लिया हूँ, 10,000 साल से ज्यादा से हम लोग यहाँ पे जी रहे, तो हमारे बीच में जो मरे हुए लोग हैं ना उनके बीच में कोई भी डिफिकल्ट मतलब कोई ऐसा चेंजेस यहाँ पे नहीं, हम लोग समझो लगभग सेम ही है, तुम्हारे साथ मैंने इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लिया तो अगर अभी मुझे कुछ यहाँ पर हो भी गया ना तो भी चलेगा, तुम्हारे साथ जो मैंने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया ना ये मेरी जिंदगी का गोल्डन टाइम था, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए ना जो इंसान लोग ना मामूली इंसान लोगों का खाना यहाँ पे टेस्ट करूंगा। वो कहती है महाराज अब मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दोगे, ये खा लेता है वो खाना, तो महारानी रोने लग जाती, गले लगा लेती कि आप बिना कितने पागल हो, मेरे लिए आपको इतनी बड़ी कुर्बानी देने की जरूरत क्या आती है। अपने सेकंड पिन से सील जाते कह रही यार मैंने बस खाना दिया जिनसे फायदा होगा, नाटक तो ऐसा करें जैसे कि मैंने जहर इनको दे दिया सामने से, जैसे खाना यहाँ पे खाता ना एकदम महाराज झील जाते ओ माय गॉड क्या खाना है, एकदम इल्यूजन के जाल में चल जाता जो कि हमको सारे बंदे चल जाते खाना खाने के बाद। और उसके बाद है ना भाई ऐसा फीलिंग आता कि इतना टेस्टी खाना ना मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया था, मन तो करा बस खाते जाऊं। अब आते बड़ी कैंटली बाहर साइड यहाँ पे सेकंड प्रिंसेस कहती बोलिए महाराज कैसा लगा, अच्छा लगा ना? तो ये तो जोश से चला था भाई क्या खाना है, मैडम यार आपको भी यहाँ पे खाना चाहिए, रुकिए आपको मैं खिलाता हूँ अपने हाथों से नहीं अपने मुंह से, या अपने मुंह के अंदर इसने लिया था किस कर उसके मुंह में दे देता है, ओ माय गॉड हाउ रोमांटिक। और जैसे उसके मुंह में जाता है ना उसको भी सेम फीलिंग आती है जो कि राजा को आ रहा था, ये भी नंगी हो जाती है और कहती भाई क्या खाना भाई, मैं सच में पागल यहाँ पे थी जो खा नहीं रही थी, और ये क्या फीलिंग है, ऐसी फीलिंग है ना इतने सालों में मुझे कभी भी यहाँ पे नहीं आई, ये मतलब ये सब इल्यूजन है भाई, रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में दोनों की बॉडी आराम से बैठी हुई थी, अपनी सेकंड भी कहती हेलो सुनाई दे रहा है, अरे कुछ बोल भी नहीं रहे, नहीं तुमको खाना ओके ठीक है भाई, मैं तो चली लेकर और लेके वापस जा रही थी, ये लोग रोक देते हैं और कहते हैं केवल ऐसा तो हम लोग नहीं खाते लेकिन तुम यार इतनी जीत कर रही हो तो भाई हम तुम्हारा दिल थोड़ी ना दुखाएंगे इसलिए हम भी खा लेते हैं, ये भी सोचती नहीं अच्छा इनको बहुत लगा साले, लेकिन कितना नाटक करते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।